गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम कविता चौधरी फ्रॉम सुनीता गुगल स्कूल। एंड बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे आपकी जो क्लास थर्ड की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है उसमें चैप्टर नंबर 6 हम पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 6 एनिमल्स। उसका हम उस चैप्टर के आज हम डिफिकल्ट वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा, क्लास में हमने चैप्टर नंबर पढ़ लिया था जिसमें हमने पढ़ा था कि जो एनिमल्स होते हैं अलग तरह के होते हैं। जैसे कुछ एनिमल्स को हम अपनी लोकेलिटी में देखते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिन्हें हम सिर्फ जू में देखते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिन्हें हमने सिर्फ पिक्चर्स में देखा होता है। और एनिमल्स जो होते हैं एक दूसरे से शेप में, उनके कलर में, साइज में एक दूसरे से अलग होते हैं। जैसे आंट बहुत छोटी होती है एंड और एलिफेंट बहुत बड़ा होता है। फिर हमने देखा कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो लैंड पर रहते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ट्री पर रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हवा में रहते हैं, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो लैंड और वाटर दोनों में ही आसानी से रह सकते हैं। फिर हमने देखा कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें मूवमेंट अलग अलग तरह का होता है। जैसे जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उनके पास चलने के लिए 4 लेग्स होते हैं, 4 टांगे होती है। और जो पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं यानी एक्वेटिक एनिमल्स, उनके पास क्या होते हैं, फिन्स होंगे या फिर फ्लिपर्स होंगे या फिर क्या होंगे, वेब्ड फीट होंगे पानी में तैरने के लिए। जो बर्ड्स होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, उनके पास फेदर होते हैं, पंख होते हैं। और जो जैसे बाकी के जो सांप वगैरह एनिमल्स होते हैं अर्थवर्म, वो रैंक होते हैं। उसके अंदर के कुछ जिनकी जो फूड प्लांट से बने प्रोडक्ट खाना पसंद करते हैं, जैसे कि काउ, बफेलो है ना, गॉट, एलिफेंट। फिर हमने देखा कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि सिर्फ एनिमल दूसरे एनिमल्स का फ्लैश यानी मांस खाते हैं, जैसे उसको कार्निवोरस बोलते हैं, जैसे स्नेक, लॉयन, टाइगर। उसके बाद हमने देखा कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि दूसरे एनिमल का फ्लैश के साथ साथ प्लांट प्रोडक्ट को भी खा लेते हैं, तो उनको हम ओमनिवर्स बोलते हैं। फिर हमने देखा कि एनिमल्स जो होते हैं अलग अलग तरह से ब्रीथ करते हैं, जैसे कि जो लैंड वाले एनिमल्स हैं, लैंड पर रहने वाले, वो अपनी नोज के थ्रू ब्रीथ करते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स अपने गिल्स के थ्रू क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो होल्स अपनी, उनकी जो बीक के ऊपर होल्स होते हैं उससे वो ब्रीथ करते हैं। और जैसे इंसेक्ट वगैरह होते हैं उनकी और जो स्किन होती है उस पर स्मॉल पोर्स होते हैं, छोटे छोटे खड्डे छिद्र होते हैं जिससे वो सांस लेते हैं। फिर हमने देखा एनिमल्स की जो है आउटिंग कवरिंग जो होती है, आउटर कवरिंग, बाहर की जो सतह होती है वो अलग अलग होती है। जैसे और जैसे स्नेक के ऊपर, लेजर्ड के ऊपर क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं, स्केल्स होते हैं। और जो काउ, कैमल वगैरह है उनकी आउटर कवरिंग में क्या होगा, हेयर होंगे, हेयर से वो ढकी होगी, बाल से ढकी होगी। एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में हमने पढ़ा कि उनके ऊपर क्या होंगे, स्केल्स होंगे। और जो बर्ड्स होती है उनका शरीर पंखों से ढका होता है। तो ये हमारा चैप्टर था। अब आज की क्लास हम चैप्टर के सबसे डिफिकल्ट वर्ड्स देखेंगे, डिफिकल्ट वर्ड्स को पढ़ेंगे, उसके बाद हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डिफिकल्ट वर्ड्स, तो देखो बच्चों आपको क्या करना है, क्लास जैसे आपको पता है चैप्टर नंबर 5 हमने कर लिया था, उसके बाद न्यू पेज से आपको लिखना है क्लास वर्क और हेडिंग लिखनी है, चैप्टर का नेम लिखना है चैप्टर नंबर 6 एनिमल्स, और डेट भी आपको लिखनी है। फिर है डिफिकल्ट वर्ड यानी कठिन शब्द। फर्स्ट है लोकेलिटी, लोकेलिटी का मतलब होता है इलाका। सेकंड नंबर पर है टेरेस्ट्रियल एनिमल, तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन से होते हैं, जो जमीन पर रहते हैं। उसके बाद थर्ड है हम्प, हम्प का मतलब होता है कुबड़। हम्प किसमें मिलता है, जो कैमल होता है उसमें हम्प मिलता है। फिर फोर्थ नंबर पर है एक्वेटिक, एक्वेटिक का मतलब होता है जलीय यानी जो पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं। फिफ्थ नंबर पर है एम्फीबियस, एम्फीबियस का मतलब होता है उभयचरी, जो लैंड पर और वाटर दोनों में रह सकते हैं। सिक्स नंबर पर है फ्लाइंग, फ्लाइंग का मतलब होता है उड़ना। सेवन नंबर पर है एर्बोरियल, एर्बोरियल यानी जो एनिमल्स ट्री पर रहते हैं है ना, उनको एर्बोरियल एनिमल्स बोला जाता है। एट नंबर पर है हर्बीवोरस, हर्बीवोरस का मतलब होता है शाकाहारी, या फिर हम बोल सकते हैं जो प्लांट या फिर प्लांट से बने प्रोडक्ट्स खाते हैं। नाइन्थ नंबर पर है कार्निवोरस यानी वो एनिमल्स जो कि एनिमल फ्लैश को खाते हैं। 10 नंबर पर है ओमनिवोरस, ओमनिवोरस जो प्लांट प्रोडक्ट के साथ साथ दूसरे एनिमल के फ्लैश को भी खाते हैं। तो कुल मिला के यानी टोटल आपके हो गए हैं 10 डिफिकल्ट वर्ड्स। और किस तरह से करना है, एक लाइन में आपको एक ही डिफिकल्ट वर्ड लिखना है, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो क्या हो गए डिफिकल्ट वर्ड्स, एक बार फिर से देख लेते हैं, लोकेलिटी टेरेस्ट्रियल एनिमल, हम एक्वेटिक, एम्फीबियस, फ्लाइंग, एर्बोरियन, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो प्रैक्टिस कुछ बर्डिंग वैल्यूज है, जैसे रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी इन नेचर,
यानी प्रकृति में विविधता का सम्मान। रिवरेंस का मतलब होता है श्रद्धा, और ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है निगरानी करना या निरीक्षण करना। ओके, तो ये आपके कुछ बडिंग वैल्यूज थे जिसका मतलब मैंने बता दिया। फर्स्ट है रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी इन नेचर, यानी प्रकृति में विविधता का सम्मान करना। विविधता क्या होती है, जैसे पेड़ है, पक्षी है ना, धरती, आकाश, ये सब क्या है, अलग नेचर के अलग अलग अंग है। रेवरेंस क्या होता है, रेवरेंस का मतलब होता है श्रद्धा। एंड ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है निरीक्षण करना, ठीक है, निगरानी रखना। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके आंसर हमें बताना। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट योर वेज इन विच ह्यूमन बींग्स आर सिमिलर टू अदर एनिमल्स। अब जो है आपको ऐसे चार कारण बताने हैं, जो कि ये बताना है कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो एनिमल्स से किस तरह से सिमिलर है, यानी एनिमल्स और जो ह्यूमन बींग है यानी मनुष्य है उनके बीच में क्या सिमिलरिटीज है, वो चार बातें आपको बतानी है। यानी उन किन चार बातों में एनिमल्स और जो ह्यूमन बींग्स है वो एक दूसरे से समानता रखते हैं, है ना। तो ह्यूमन बींग्स का मतलब क्या है, जो मनुष्य होता है वो उसको बोला जाता है ह्यूमन बींग। तो ह्यूमन बींग का मतलब होगा मनुष्य, ठीक है। सिमिलरिटी का मतलब या सिमिलर का मतलब होता है समानता। तो आपको एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के बीच में क्या बताना है, सिमिलरिटी बतानी है। ऐसी चार चीजें बतानी है जिसमें एनिमल और ह्यूमन बींग एक जैसे होते हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, ह्यूमन बींग्स ईट, स्लीप, वॉक, कम्युनिकेट लाइक अदर एनिमल। तो जो इंसान होता है वो भी खाना खाता है, सोता है, चलता है और दूसरे एनिमल्स की तरह ही बात करता है। तो ये वो चार चीजें जिसमें एक ह्यूमन बींग एनिमल से सिमिलरिटी रखता है या सिमिलर होता है। कौन कौन सी बातें हो गई, फर्स्ट है ईट, सेकेंड है स्लीप, थर्ड है वॉक, एंड फोर है कम्युनिकेट। कम्युनिकेट का मतलब होता है बातचीत करना, बात करना। ह्यूमन बींग्स ईट, स्लीप, वॉक, कम्युनिकेट लाइक अदर एनिमल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इन वॉट वेज आर बर्ड्स डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन बींग्स। यानी आपको बताना है कि कौन से कारणों से जो एक बर्ड है वो ह्यूमन बींग से अलग है ना। एक बर्ड ह्यूमन बींग से किस तरह से अलग है, वो कौन सी ऐसी बातें हैं वो आपको बतानी है। इन वॉट वेज आर बर्ड्स डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन बींग, यानी बर्ड्स ह्यूमन बींग से यानी मनुष्य से किस तरह से अलग है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, बर्ड्स डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन बींग्स इन मैनी वेज। तो जो एक पक्षी होते हैं वो इंसानों से कई बातों में अलग होते हैं, जैसे कि ए, बर्ड्स हैव अ बीक एंड अ टू लेग्स। तो जो बर्ड्स होती है उसके पास चोंच होती है और उसके साथ में टू लेग्स यानी उसके दो पैर होते हैं, है ना। हमारा माउथ होता है पर बर्ड्स के पास क्या होता है, बीक यानी चोंच। बी है, बर्ड्स हैव अ विंग्स, फेदर एंड बोट शेप लाइट बॉडी विथ होलो बोन्स। तो जो बर्ड्स होती है उनके पास विंग्स यानी पंख होते हैं, फेदर यानी उस पर जो पंख लगे होते हैं, और फिर विंग्स या फेदर दोनों एक ही बात है। एंड बोट शेप लाइट बॉडीज, और उसके पास नाव के जैसे आकार की हल्की बॉडी होती है। किसके साथ, होलो बोन्स यानी खोखली हड्डियों के साथ उनकी जो बॉडी होगी कैसी होगी, एकदम हल्की होगी। क्योंकि बर्ड्स जो होती है वो हवा में उड़ती है, तो हवा में अगर किसी चीज को उड़ाना है तो वो जरूरी है कि वो चीज हल्की हो, इसलिए उनकी जो बॉडी होती है वो लाइट वेट होने के साथ साथ उनकी जो बोन्स होगी, हड्डियां होगी, वो होलो यानी खोखली होगी। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इन व्हाट वेज आर बर्ड्स डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन बींग्स, यानी किन किन बातों से जो बर्ड्स है वो ह्यूमन बींग यानी मनुष्य से अलग है। तो हमने लिखा, बर्ड्स डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन बींग्स इन मैनी वेज। फर्स्ट यानी ए, बर्ड्स हैव अ बीक एंड टू लेग्स। बी है, बर्ड्स हैव विंग्स, फेदर्स एंड बोट शेप लाइट बॉडीज विद होलो बोन। अब थर्ड क्वेश्चन है, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन इंसेक्ट एंड बर्ड, यानी आपको यहाँ पर कीटों के और पक्षियों के बीच में दो अंतर बताने, यानी कीट और बर्ड। कहने का मतलब है कि कीट यानी इंसेक्ट और बर्ड यानी पक्षी एक दूसरे से किस तरह से अलग है, इसलिए हमें उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस यानी अंतर बताना। तो आंसर हम लिखेंगे, टू डिफरेंसेस बिटवीन इंसेक्ट एंड बर्ड आर, यानी इंसेक्ट और बर्ड के बीच में दो अंतर क्या है, पहले लिखेंगे इंसेक्ट उसके बाद बर्ड। वैसे आपको क्या करना है, कॉलम बनाने हैं दो, एक इंसेक्ट का कॉलम हो जाएगा, दूसरा बर्ड का कॉलम हो जाएगा, जिसमें फर्स्ट है
इंसेक्ट के बारे में, इंसेक्ट हैव सिक्स लेग्स, तो जो कीट होते हैं उनके पास 6 टांगे होती है। अब बर्ड के बारे में क्या है, बर्ड हैव अ बीक एंड 2 लेग्स, तो बर्ड्स के पास क्या होती है, बीक होती है यानी चोंच होती है और साथ में 2 पैर होते हैं। तो इंसेक्ट के 6 पैर होते हैं, वही बर्ड्स के 2 लेग्स यानी 2 पैर होते हैं। इंसेक्ट का सेकंड पॉइंट है, सेकंड डिफरेंस है, दे डू नॉट हैव बोन्स इन देयर बॉडी, तो जो इंसेक्ट होते हैं उनके शरीर में क्या नहीं होती, हड्डियां नहीं होती हैं। वही बर्ड्स का जो सेकंड डिफरेंस है वो ये है कि दे हैव बोट शेप लाइट बॉडी विथ होलो बोन्स, तो उनकी जो बॉडी होगी वो कैसे होगी, नाव के आकार की होगी और उसमें खोखली हड्डियां होगी और उनका शरीर क्या होगा, बहुत ही हल्का होगा। क्वेश्चन पूछा गया था कि राइट 2 डिफरेंसेस बिटवीन इंसेक्ट एंड बर्ड, आपको इंसेक्ट और बर्ड के बीच में 2 अंतर लिखने थे, अंतर बताने थे। तो हमने लिखा आंसर, इंसेक्ट हैव 6 लेग्स, वही बर्ड्स हैव अ बीक एंड 2 लेग्स। इंसेक्ट का सेकंड पॉइंट है डिफरेंस का, दे डू नॉट हैव अ बोन्स इन देयर बॉडी, और बर्ड का सेकंड डिफरेंस है दे हैव बोट शेप लाइट बॉडीज विथ होलो बोन्स, तो उनकी जो बॉडी होगी वो नाव के जैसी होगी और बॉडी उनकी हल्की यानी उनका शरीर हल्का और उसमें क्या होगी, खोखली हड्डियां होगी। होलो का मतलब होता है खोखली, बोन्स यानी हड्डियां। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4, नेम द एनिमल विच कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन अ वॉटर। अब आपको एनिमल्स का नाम बताना है जो पानी के साथ साथ जमीन पर भी यानी लैंड पर भी रह सकते हैं। तो हमने चैप्टर में भी पढ़ा था जिन ऐसे एनिमल्स को सबसे पहले हम एम्फीबियस एनिमल बोलते हैं। अब आपको उन एनिमल्स के नेम लिखने हैं। क्वेश्चन है, नेम द एनिमल्स विच कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वॉटर, यानी ऐसे एनिमल्स का नाम लिखना है जो पानी के साथ साथ जमीन पर भी रह सकते हैं। तो आंसर लेंगे हम, फ्रॉग एंड क्रोकोडाइल कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वॉटर, तो जो मेंढक होते हैं और जो क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ होते हैं वो पानी के साथ साथ जो है जमीन पर यानी स्थल पर भी रह सकते हैं, और इन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियस एनिमल। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर एर्बोरियल एनिमल्स, गिव 2 एग्जांपल्स। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि एर्बोरियल एनिमल्स क्या होते हैं और मतलब किसे कहते हैं, व्हाट इज एर्बोरियल एनिमल, एर्बोरियल एनिमल क्या होते हैं और उनके आपको 2 एग्जांपल्स देने हैं। तो आंसर लिखेंगे, एनिमल्स लाइक द मंकीज एंड कैमलियन स्पेंड ऑफ द टाइम ऑन ट्रीज, तो जो एनिमल्स होते हैं जैसे मंकी, बंदर एंड कैमलियन यानी गिरगिट जो होते हैं वो अपना ज्यादातर समय पेड़ों पर बिताते हैं, इन एनिमल्स को हम एर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं, सच एनिमल्स आर कॉल्ड एर्बोरियल एनिमल्स। तो इन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, एर्बोरियल एनिमल्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर हर्बीवोरस। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हर्बीवोरस क्या होते हैं, हम किन एनिमल्स को हर्बीवोरस बोलते हैं या हर्बीवोरस क्या होते हैं। तो आंसर हम लिख सकते हैं, एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट लाइक अ फ्रूट एंड ग्रेन आर कॉल्ड हर्बीवोरस, यानी वो एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट या फिर प्लांट से बने प्रोडक्ट को खाते हैं जैसे कि फ्रूट और ग्रेन्स यानी फल और अनाज, उन एनिमल्स को हम हर्बीवोरस एनिमल कहते हैं, जैसे कि काउ, डियर, ठीक है, इसके एग्जांपल क्या होंगे, काउ, डियर, और भी आप लिख सकते हो जैसे रैबिट और कैमल, बफेलो। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दिखाए हैं। क्वेश्चन था व्हाट इज हर्बीवोरस, तो आंसर होगा, एनिमल्स विच ईट ऑनली प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट लाइक अ फ्रूट एंड ग्रेन्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस, फॉर एग्जांपल काउ एंड डियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, गिव 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। अब आप यहाँ पर कार्निवोरस और ओमनिवोरस के 2 एग्जांपल देने हैं। कार्निवोरस कौन होते हैं, जो कि एनिमल का फ्लैश खाते हैं, दूसरे एनिमल का फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं, और ओमनिवोरस क्या होते हैं, जो प्लांट प्रोडक्ट के साथ साथ दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं। अब उन दोनों एनिमल्स के आपको क्या करने हैं, 2 उदाहरण यानी 2 एग्जांपल्स देने हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका, 2 एग्जांपल ऑफ कार्निवोरस। तो कार्निवोरस के 2 एग्जांपल होंगे लॉयन एंड टाइगर, यानी शेर और चीता, ये दोनों ही ऐसे जानवर है जो दूसरे जानवरों का मांस यानी फ्लैश खाते हैं। और सेकेंड है 2 एग्जांपल्स ऑफ ओमनिवोरस। ओमनिवोरस के 2 एग्जांपल क्या हो जाएंगे, बियर और डॉग, यानी जो भालू और कुत्ता। तो भालू और कुत्ता दोनों ही या प्लांट प्रोडक्ट भी खा सकते हैं और दूसरे एनिमल का फ्लैश भी खा सकते हैं।
तो ऐसे अभी तक हमने क्वेश्चन पूरे पढ़ लिए, एक बार फिर से क्वेश्चन आंसर को मैं आपको समझा देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन था, स्टेट फोर वेज इन विच ह्यूमन बींग्स आर सिमिलर टू अदर एनिमल्स। तो इसका आंसर ने क्या लिखा, ह्यूमन बींग्स ईट स्लीप वॉक कम्युनिकेट लाइक अदर एनिमल्स। तो जो इंसान होता है वो दूसरे एनिमल की तरह खाता है, सोता है, चलता है और बातचीत करता है। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन व्हाट वेज आर बर्ड्स डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन बींग। क्या वो कारण, किन बातों में जो एक बर्ड होती है, एक पक्षी होता है, वो इंसानों से अलग होता है। तो आंसर हमने लिखा, बर्ड्स डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन बींग्स इन मैनी वेज। फर्स्ट है, बर्ड्स हैव अ बीक एंड टू लेग्स। बर्ड्स के पास यानी पक्षियों के पास चोंच होती है और दो पैर होते हैं। और बी हमने लिखा, बर्ड्स हैव विंग्स फेदर्स एंड बोट शेप्ड लाइट बॉडी विथ होलो बोन्स। तो बर्ड के पास क्या होंगे, पंख होंगे, उनकी बॉडी कैसी होगी, नाव के जैसी होगी, नाव के आकार की होगी और उनका शरीर हल्का होगा और उसमें क्या होंगी, खोखली हड्डियां होंगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि राइट टू डिफरेंस बिटवीन इंसेक्ट एंड बर्ड। आपको यहाँ पर कीट और पक्षी के बीच में यानी इंसेक्ट और बर्ड के बीच में दो अंतर यानी डिफरेंस लिखने थे। तो हमने लिखा, इंसेक्ट के बारे में हमने क्या लिखा, इंसेक्ट हैव सिक्स लेग्स, वही बर्ड में बर्ड्स हैव अ बीक एंड टू लेग्स। उसके बाद इंसेक्ट का सेकंड डिफरेंस है, दे डू नॉट हैव बोन्स इन देयर बॉडी, इनके शरीर में हड्डियां नहीं होती, वही बर्ड्स जो होती हैं दे हैव बोट शेप लाइट बॉडीज विथ होलो बोन्स। उनकी जो बॉडी होगी वो कैसी होगी, नाव के जैसी होगी, नाव के आकार की होगी और उसमें खोखली हड्डियां होंगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर है, नेम द एनिमल्स विच कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। आपको यहाँ पर दो एनिमल्स के बारे में लिखना है जो कि पानी में भी रह सकते हैं और जमीन यानी स्थल पर भी रह सकते हैं। तो इनके एग्जाम्पल्स हमने लिखे थे, फ्रॉग एंड क्रोकोडाइल कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, यानी कि मेंढक और मगरमच्छ दोनों ही पानी में और जमीन पर रह सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव है, व्हाट इज द एर्बोरियल एनिमल, गिव टू एग्जाम्पल। एर्बोरियल एनिमल्स क्या होते हैं और उनके दो उदाहरण आपको देने थे। तो आंसर लिखा, एनिमल लाइक अ मंकी एंड कैमलियन स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन ट्रीज, सच एनिमल्स आर कॉल्ड एर्बोरियल एनिमल्स। यानी बंदर और गिरगिट जो जानवर होते हैं वो अपना ज्यादातर समय पेड़ों पर बिताते हैं और इन एनिमल्स को, इन जानवरों को हम एर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर सिक्स था, व्हाट आर हर्बीवर्स। हर्बीवर्स क्या होते हैं, तो इसका आंसर हमने लिखा था कि एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट लाइक अ फ्रूट एंड ग्रेन्स आर कॉल्ड हर्बीवर्स। फॉर एग्जाम्पल काउ एंड डियर, यानी वो जानवर जो सिर्फ पौधों से बने प्रोडक्ट या फिर पौधों को खाना पसंद करते हैं, जैसे फ्रूट्स यानी फल और अनाज, उन जानवरों को हम हर्बीवर्स कहते हैं। और उसके उदाहरण हमने लिखे, काउ डियर यानी गाय और हिरण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन है, गिव टू एग्जाम्पल ईच ऑफ कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। तो हमें कार्निवोरस और ओमनिवोरस के दो दो एग्जाम्पल लिखने थे। तो कार्निवोरस के एग्जाम्पल हमने लिखे लॉयन एंड टाइगर, एंड टू एग्जाम्पल ऑफ ओमनिवोरस हमने लिखा बियर एंड डॉग। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने डिफिकल्ट वर्ड्स के साथ साथ कुछ क्वेश्चन आंसर देखे। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के जो क्वेश्चन आंसर है आपको काम करना है वो भी आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।